का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, नवरात्र कल से शुरू हो रहे हैं। हालांकि मैंने शहना सेठ चैनल पे बहुत चीजें बताई हैं, एक से बढ़कर एक चीज बताई है और तीन तो परमानेंट चीज बताई है जो नवरात्रों में आपने कहते हैं ना आंधी है तूफान है बाढ़ है आपने मिस नहीं करनी, जो पता नहीं क्या क्या काम क्या क्या बंदिशों को खोल डालेगी उसके बारे में मैंने बात की है। लेकिन ये जो एक उपाय अभी बताने जा रही हूं ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो कहीं ना कहीं अपने कारोबार से जूझ रहे हैं, जो अपने कहते हैं ना जॉब में जूझ रहे हैं, उन्होंने तैयारी बहुत अपने पे काम बहुत किया है, मेहनत बहुत करी है, पढ़ाई बहुत करी है, बहुत कहते हैं ना हर चीज कर डाली, लेकिन वो जो भाग्य पक्ष है ना वो कहीं ना कहीं कमजोर है, तो क्या कर सकते हैं। मैं आपको बात बताऊं, दिल से कह रही बेड़ा पार होएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अब आपको बताऊं आपने क्या करना है, मैं कहती आपकी जो भी कोई एक कारोबार की जो चीज है, मतलब है ना आप समझे, जैसे जैसे आपके कारोबार में एक ऐसा कौन सा शस्त्र है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके जॉब में आपका पेन, आपका कोई भी एक चीज, आपके कारोबार की कोई भी एक चीज जिसका जो आप प्रयोग करते हैं, आप समझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए मेरे प्रयोग में क्या आता है, मेरा फोन हो, फोन भी मेरे प्रयोग में क्या आता है, मेरा लैपटॉप जिसमें मैं टीवी देखती हूँ, जो मेरा कुंडली का सॉफ्टवेयर है वो लैपटॉप में ही तो होएगा, है कि नहीं। सीधी बात, मेरे काम की चीजें क्या है, मेरा फोन हो गया, मेरा लैपटॉप हो गया, ये सारी चीजें, मेरा जो वास्तु स्केल है, मतलब मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप कोई भी एक चीज जो आप अपने काम में प्रयोग करते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास काम ही नहीं है तो हम क्या करें, है कि नहीं, आपका रिज्यूमे वो भी चलेगा। आप जॉब के तलाश में हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही लेकिन आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, कभी यहाँ इंटरव्यू पे जा रहे हैं, वहां 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 वहां, मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रही जो एक दो अपना साइट पे अपना डाल दिए रिज्यूमे और बैठ गए जी, होएगा चमत्कार, वो तो क्या ही होएगा, वो आप भी जानते मैं भी जानती, क्योंकि नेगेटिव दशा होता है उसको पिछाड़ना इतना आसान नहीं है। जब कंसल्टेशन करती हूँ आपको पता है, हाँ जी पहले तो मतलब ये बताओ जो भी ठीक है, फिर जो वो हाँ हम ना कारोबार के लिए भी, हमारी को मैम जॉब नहीं मिल रही, ओ देखने बैठी तो कहीं ना कहीं ओ रास्ते का पत्थर क्या आया कि इंसान सोच रहा है ऐसा हो जाए वैसा हो जाए वैसा हो जाए, जहां पर करने की बारी आ दिया टोटल जीरो। और बोल भी दी मैं कि देखो आप कह रहे हैं कि आपको जॉब नहीं मिल रही, जॉब आपका इंतजार कर रही है लेकिन आपको ढूंढना उसको पकड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे आपके तरफ से एफर्ट नहीं दिखते। हाँ जी ऐसा है तो फिर कैसे चलेगा ना काम बाबू, फिर तो नहीं चलने वाला। तो थोड़ा अगर आप चाहते हैं आपका काम हो जाए बन जाए जॉब मिल जाए, मिलेगी मिलेगी मिलेगी, क्या करोगे, कोई भी आपका कारोबार का शस्त्र या आपका जॉब में जो आप प्रयोग करते हैं, जहां पर आपको पता यू आर डूइंग अ कमीशन बेस्ड जॉब है ना, एंड वेयर यू कैन मिंट मनी, पैसा छाप सकते हो, मतलब लेकिन चीजें एकदम पावर में आए, तो क्या करो इस नवरात्रों में वो जो सामान है मंदिर के पास में एक तरह का उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, बकायदा तिलक लगा दो। छोटा सा एक आपको बात बता रही हूं, धूप बत्ती जब आप माँ का कर रहे हैं, जब आप माँ की उपासना कर रहे हैं, माँ की आरती गा रहे हैं, तो वो भी समान की पूजा बराबर करेंगे आप, बराबर करेंगे, और वहां पर बैठकर रोज प्रतिदिन पांच माला उसको अभिमंत्रित करके प्रॉपरली किस मंत्र का उच्चारण करोगे, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस चीज का जप 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 पांच माला। और आपने क्या बोलना है, हे माँ मैं आपके नाम से ये कर्म कर रही हूं, ये आपका प्रसाद समझ रही हूं और अपने काम में प्रयोग कर रही हूं, मेरे काम को बढ़ावा दो, मेरे काम में शक्ति डालो, मुझ में अपनी शक्ति डालो, मेरा काम बनाओ, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ऐसे करते 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 फिर उसके बाद दसवें दिन से
दसवें दिन से ग्यारहवें दिन से इसका प्रयोग करना शुरू कर दो। पता नहीं क्या आपको खुद पावर महसूस होएगी। ये सुनने में हो सकता है आपको लग रहा हो ये शाइना क्या बोल रही, ये शाइना क्या बोल रही, ये करके देखो। जो आपका रिज्यूमे भी है ना उसको भी, वो भी चलेगा। आप जॉब की तलाश में हो, अगर तो कोई चीज है जैसे कोई पेन वगैरह है जहां पर आप इंटरव्यू लिखते हो या कुछ ऐसे करके जो भी, या कोई कोई एक धागा तक जो आप इंटरव्यू में पहन के जाओ वो भी चलेगा। माँ के चरणों में एक सफेद सूती धागा को हल्दी से रंग कर, वो कहते हैं एक तो अपना पेन, एक ये धागा, उसके बाद ये जब भी इंटरव्यू पे जाए आप वो पहन के जाए। मैं कहती एक लौंग को भी जब आप ये ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करेंगे, मैं कहती ए लौंगों को भी ना, कुछ लौंगों को भी पीतल के कलश में लौंग को भी आप भर दीजिए, वो भी अभिमंत्रित होता जाएगा, वो भी अभिमंत्रित होता जाएगा। जब आप इंटरव्यू पे जा रहे तो लौंग अपने चुप करके जाना है, अपने लौंग को अपने मुंह में रख कर बस जी, तब एकदम अपने अंदर, क्योंकि कितने लोग होते हैं उनके अंदर कौन भाव, बहुत कुछ है, बहुत क्षमता है, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, लेकिन एकदम पसीने छूट जाते हैं जब सामने कोई एक से दूसरा सवाल पूछ ले, और तभी टाइटा फिश हो जाती है। हालांकि जो चीजें उनको पता है, जो उनकी कला है, जो उनको उनको चीजों की मालूमात है, वो हो सकता है अच्छे अच्छों को भी ना पता हो लेकिन उनको सब पता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट घबरा जाती, बोलती बंद हो जाती, और बोलती क्या बंद हो जाएगी, एकदम पावर क्रिएट हो जाएगी। लौंग भी अभिमंत्रित हो गई कलश में, वो लौंग को रोज, अगर आपको जैसे हमने अब कर रहे हैं, अब जब कलश एक बार में खत्म हो जाए तो कुछ दिन फिर उसको अभिमंत्रित कर देना लौंगों को। ये जो चीज है ये एक आपको ना कुछ अलग सा पुश दे देगा, इतना मैं पक्का विश्वास करके कहती हूँ, सीधी बात है। ठीक है जी, एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन अब ऑन है। दिसंबर वाला बैच, नवंबर वाला बैच अब फुल हो गया। जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं व्हाट्सअप करें, सेल्फ वास्तु कोर्स कर लो, प्रोफेशनली नहीं करना चाहते, अपने घर का करना चाहते हैं, अपने भाई के घर के करना चाहते हैं, बहन के करने के, वो सेल्फ वास्तु कोर्स में आप ये कर सकते हैं। मतलब आप समझे, जैसे जैसे डिटेलिंग में तो एस्ट्रो वास्तु में भी एस्ट्रोलॉजी भी आ जाती है, जो केपी सिस्टम, मतलब बहुत चीजें आ जाती, जो मैं कॉम्बिनेशन के बारे में बात करती, पहला घर, छठा घर, दसवा घर, पांचवा, आठवा, बारहवा, ऐसा, वो सारी चीजें एस्ट्रो वास्तु में आती है, जैसे कुंडली से वास्तु, वास्तु से एस्ट्रोलॉजी, एक एक चीज को। लेकिन जो उस चीज में नहीं करना चाहते तो सेल्फ वास्तु कोर्स भी अब इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आप अपने ऑफिस का, घर का कर सकते हैं। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।